कोरोना के बाद आज देश में अगर किसी एक बीमारी की सबसे ज्यादा बात हो रही है ना, जिसको लेकर पैनिक है, हर कोई उसकी बात कर रहा है, हर किसी की जुबान पर है, वो काली आफत है, ब्लैक फंगस। जी हां, फंगस का वो रूप जो जानलेवा बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस से कई लोगों की जान जा चुकी है, और अब तो यह भी साफ हो चुका है कि ब्लैक फंगस भी बहरूपिया है, वो भी रंग बदल रहा है। ब्लैक फंगस के बाद बिहार में व्हाइट फंगस के मरीज सामने आए हैं। सवाल यह कि ये इस काली आफत का इलाज क्या है, ये ब्लैक फंगस का इलाज क्या है, और अगर इलाज हो रहा है तो क्या इसकी दवाई लोगों को मिल रही है। ब्लैक फंगस पर ये ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको जागरूक करने के लिए हमने विशेष तौर पर बनाई है। इसको देखिए और समझिए किससे बचने के लिए आपको क्या करना है। ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमण के बाद अब ये देश के लिए नई चुनौती है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इसे महामारी घोषित करने के लिए कहा है, लेकिन इस बीच देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आप एक मैप के जरिए समझिए कि देश में ब्लैक फंगस के कितने मामले हैं। महाराष्ट्र में 1500 मामले, 90 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 281 मामले, 27 लोगों की मौत। गुजरात में 900 मामले, हरियाणा में 115 मामले, राजस्थान में 100 मामले, तेलंगाना में 90 मामले, दिल्ली में 185 मामले, उत्तर प्रदेश में 50 मामले, छत्तीसगढ़ में 90 मामले हैं। जिस तरह से देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। राजस्थान और तेलंगाना की सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन ब्लैक फंगस को समझने के लिए कुछ सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। सबसे पहले आप वो सवाल देखिए। सवाल नंबर एक, क्या कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने पर ब्लैक फंगस होता है? सवाल नंबर दो, क्या होम आइसोलेशन में रहने से ब्लैक फंगस होता है? सवाल नंबर तीन, क्या ब्लैक फंगस कोरोना की तरह संक्रमण से होता है? सवाल नंबर चार, क्या कोरोना से ठीक होने पर ब्लैक फंगस होता है? सवाल नंबर पांच, क्या ब्लैक फंगस का इलाज हो सकता है? इन पांच सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ब्लैक फंगस होता क्या है। सर, पिछली बार की बात करें और इस बार की बात करें, आप भी कितने ज्यादा मामले देख रहे हैं ब्लैक फंगस के और उसकी वजह क्या है? पिछले बार एक या दो ही मामले सामने आए थे, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा संख्या में ये जो ब्लैक फंगस है, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये राइजोपस म्यूकर नाम का एक फंगस है जो आमतौर पे वातावरण में रहता है। पर जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जिसको स्टीरोइड दे देते हैं या जिसका न्यूट्रोपिनिया होता है या कोई और लंबी बीमारी जैसे कैंसर होता है, तो उन लोगों में ये जो फंगस है तेज़ी से ग्रो करता है और आमतौर पे फेस के जो पार्ट है, रेट्रो ऑर्बिटल एरिया है, पैरानेजल साइनस है, इसको इन्वॉल्व करता है और उसके बाद तेज़ी से फैलता है ब्रेन में, लंग्स में, किडनी में और सब जगह फैल जाता है। तो ये जो फंगस है एक ख़तरनाक कैटेगरी का फंगस है, जो बाकी जो वाइट फंगस के मुकाबले में ये लंबे टाइम इसको ट्रीट करना पड़ता है और ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स वो हैं जिनका कि अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो ये इसका पहचान सबसे ज़रूरी है, डायग्नोसिस जरूरी है और उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा होता है। ब्लैक फंगस क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपके सामने ये सवाल होगा कि कैसे पता चलेगा कि ब्लैक फंगस हो चुका है। दरअसल ब्लैक फंगस कुल चार स्टेज में होता है। स्टेज वन में फंगल की शुरुआत नाक से होती है, इसमें मरीज को जुकाम होता है, नाक बंद होती है और नाक से खून आता है। स्टेज टू में फंगस नाक से साइनस में पहुंच जाता है, आंख को दिमाग से जोड़ने वाली एक नस बंद हो जाती है, इसमें आपको आंख में दर्द बढ़ेगा, सूजन होगी और दिखाई कम देगा। स्टेज थ्री में फंगस फेफड़े में पहुंच जाता है और आंख बंद होने लगती है, कुछ दिखता नहीं है, खांसी और जकड़न जैसी समस्या होती है। स्टेज फोर में फंगस ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज बेहोश हो जाते हैं, साथ ही साथ मानसिक हालत बिगड़ जाती है। डायबिटीज
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में फंगस ग्रो कर सकती है, और यही हम लोगों ने देखा गया है कि म्यूकर माइकोसिस जो कोविड 19 के मरीजों में देखा गया, जो डायबिटिक्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज थे उनमें देखा गया, और इसका इलाज जो है वो एम्फोटेरिसिन बी है, और ये देखना है कि शुगर कंट्रोल रहे। ब्लैक फंगस पर हमने आपको स्टेज और लक्षण बता दिए, लेकिन आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि देश में फंगस की स्थिति क्या है और चुनौती क्या है। तो इसका जवाब ये है कि ब्लैक फंगस देश में तेजी से फैल रहा है और इसकी दवाई की कालाबाजारी रोकने की चुनौती सबसे बड़ी है। इन दो चुनौतियों में सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फंगस की स्थिति की। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में हमने महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर शुभा राउल से पूछा कि क्या ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। उनका जवाब सुनिए। अगर माइकोमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है अगर वो असर आ रहा है तो उस असर को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जो फंगस है म्यूकर माइकोसिस वो नाक और गले तक अगर आ भी जाए तो उसका इतना परिणाम नहीं होता, यानी वो क्योरेबल है दवाई से, क्योंकि उसके लिए भी अभी दवाई निकले एम्फोटेरिसिन बी, ये जो दवाई है वो उसके ऊपर काम करती है इंजेक्टेबल। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने ये भी बताया कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए एहतियातन दवाई ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो वैक्सीन लेने के दौरान क्या इसे लिया जाता है या क्या किया जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वैक्सीन के 2 दिन पहले और 4 दिन बाद ये दवा न खाएं, ये सॉल्यूशन न लें। मुंबई के बाद अब जयपुर में ब्लैक फंगस की स्थिति क्या है वो भी समझना जरूरी है। यहाँ ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। जयपुर के एक अस्पताल में हमें ब्लैक फंगस के एक मरीज के बेटे राघवेंद्र मिले। इन्होंने बताया कि कोरोना होने के कुछ दिन बाद ही इनकी माँ को ब्लैक फंगस हो गया। क्या हुआ था आपकी माँ को और अभी किस तरह की स्थिति है? सर, 2 मई को मदर को कोविड हुआ था तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था, तो फिर हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने इंजेक्शन चालू कराए थे। इंजेक्शन चलने के 2-3 दिन बाद ही यहाँ होठ पे सोयलिन आई, तो हमने देखा कि मामूली से सोयलिन है, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हमने नजरअंदाज कर दी बात को। उसके बाद धीरे धीरे 8-9 तारीख को वो सोयलिन बढ़ती काफ़ी बढ़ गई, और 11 को हमने जब वहाँ हमें कहा गया कि एक बार आप MRI कराइए, देव ENT हॉस्पिटल में MRI करवाइए। MRI कराने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको तुरंत ऑपरेट कराइए। इसी अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज के परिवार की भी यही स्थिति है, लेकिन उनके सामने समस्या दवाई की है जो मिल नहीं रही है। दवाई में इंजेक्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। हम सभी स्टोर, मेडिकल स्टोर, CMHO, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सभी जगह गुहार लगा दिए, एक भी इंजेक्शन नहीं मिला अभी। इसके बाद हमने इसी अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि लोगों को ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है। कोरोना, स्टीरॉयड और डायबिटीज़, ये तीनों मिलके इम्यूनिटी को इतना कम कर देते हैं कि ये फंगस का इन्फेक्शन लग जाता है। और जैसा ये आपने पूछा, ये जानलेवा है, डेफिनेटली जानलेवा है। अगर इस व्यक्ति का इलाज नहीं किया जाए जिसको ये फंगस का इन्फेक्शन है, तो ये निश्चित रूप से 100% जानलेवा है। इलाज संभव है, जितना जल्दी अवस्था में लोग आएँ उतना अच्छा इलाज संभव है। अगर प्रारंभिक अवस्था में रोग आएँ तो सभी रोगियों का इलाज संभव है। इनसे हमने ये भी पूछा कि क्या ब्लैक फंगस संक्रमण से फैलता है, क्या इसका इलाज संभव है, तो उनका जवाब लोगों को राहत देने वाला था। यस, कोरोना और ब्लैक फंगस में एक फर्क है। ब्लैक फंगस पूरी तरह रोके जा सकने वाली बीमारी है। बिल्कुल, अगर हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें जिनकी इम्यूनिटी कम है और उनके इलाज पे खास तौर पे ध्यान दें तो उसको होने से रोका जा सकता है। और अभी उसी पे फोकस किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको पहचाना जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए और इसको बीमारी को बढ़ने से रोका जाए। ब्लैक फंगस पर मरीज और डॉक्टरों की बात हो गई, लेकिन अब सवाल है कि क्या ब्लैक फंगस की दवाइयां मिल रही हैं? चिकित्सकों की माने तो इस बीमारी में केवल एकमात्र इंजेक्शन जो है वो लाइपोसोमल इम्फोटेरिसिन बी है, और ये दवाई बाजार में उपलब्ध नहीं है। ये इस समय हम SMS के बाहर, जो जयपुर का सबसे बड़ा दवाइयों का बाजार है, वहाँ पर हैं, और हम आपको स्थिति दिखाएंगे बाजार में क्या है। दवाई है आपके पास जो ब्लैक फंगस के लिए है? नहीं, ये दवा 5-7 रोज से आने रही है जब से इस बीमारी का पता चला है, और हम पीछे से मांग भी कर रहे हैं बार बार डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, कि ये दवा हमको उपलब्ध कराई जाए जिससे मरीजों को उनके इलाज में राहत मिल सके, लेकिन उनका जवाब ना में आता है कि सब आने रही है।
जयपुर में ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल रही है तो दिल्ली में कालाबाजारी हो रही है और जरूरतमंदों को इसका इंजेक्शन 50 गुना दाम पर ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ रहा है। ये तालिब हैं, इनके चाचा अकरम खान 15 मई से दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना के बाद इनके चाचा अकरम को ब्लैक फंगस हो गया था। अस्पताल में ब्लैक फंगस की दवाई मिली नहीं, जबकि ब्लैक मार्केट में इन्होंने 374 रुपए एमआरपी वाले 10 इंजेक्शन 1,40,000 में खरीदे, यानी 50 गुना ज्यादा दाम। इससे पहले जब आपने मतलब 10 इंजेक्शन लिए तो वो मतलब कितने के पड़े थे आपको 10 इंजेक्शन? वो 1,40,000 के। और अभी वाले? वो अभी हमें मिले हैं 10 इंजेक्शन 25,000 के, 2500 रुपए का एक। 2500। अच्छा, एमआरपी वही थी 300 रुपए? 374 रुपए एमआरपी। इसी तरह कल 19 मई को फिर से अस्पताल ने अकरम की सेहत में सुधार न होते देख और 10 इंजेक्शन परिवार वालों से खरीदने को बोला। इस बार इन्हें ये 333 रुपए की कीमत वाला एक इंजेक्शन 2500 रुपए में खरीदना पड़ा और 10 इंजेक्शन की कीमत 25,000 रुपए चुकानी पड़ी। ब्लैक फंगस पर दिल्ली की चुनौती समझने के बाद हैदराबाद के हालात देखिए। इस सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 100 मरीज भर्ती हैं। पहले हर महीने ब्लैक फंगस के 1 से 2 मामले आते थे, अब मामले अचानक बढ़ गए हैं। थोड़ा ज्यादा ही है, पहले से अर्लियर वी यूज्ड टू सी ओनली 1-2 केसेस पर ईयर, एक महीने में एक केस देखता था। अब तो यस्टरडे ओनली यस्टरडे इट इज 48 एडमिशंस, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज देयर। ये तिरुपति राव हैं। कुछ दिन पहले इन्हें कोरोना हुआ, कोरोना से ठीक हो गए लेकिन अब ब्लैक फंगस हो गया, फिर से अस्पताल में भर्ती होने आए हैं। लेकिन चुनौती ये है कि इन्हें ब्लैक फंगस की दवाई ही नहीं मिल रही है। ब्लैक फंगस के सिर्फ बार वो नहीं मिल रहे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, सिर्फ नहीं मिल रहे, दवाई नहीं मिल रहे, इसके बारे में इधर आ गए। तेलंगाना में ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती बन गई है, सरकार इसे महामारी घोषित कर चुकी है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को लेकर तेलंगाना सरकार हरकत में आ गई है। बढ़ते केसेस के चलते तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक एक्ट के अंदर नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है और सभी अस्पतालों को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनको हिदायत दी है कि हर एक केस को नोटिफाई किया जाए। अब तक ब्लैक फंगस की ही बात थी लेकिन बिहार में ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस के भी मामले आए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि फंगस का रंग बदलता ही है, इसमें हैरानी की बात नहीं है। फंगस का कलर डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे, तो उसमें तो वाइट फंगस भी होती है, ब्लैक फंगस भी होती है, बट ये जो म्यूकर माइकोसिस है, जो म्यूकर जो है वो काले रंग के। कुल मिलाकर आप एक बात समझ लीजिए, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी में लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में ही अगर आप इसके लक्षणों को पहचान ले तो ब्लैक फंगस का इलाज भी किया जा सकता है। इसीलिए सतर्क रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखिए, क्योंकि यही आपको ब्लैक फंगस के खतरे से बचा सकता है। मुंबई से राजीव रंजन और हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ पूजा मक्कर, जी मीडिया दिल्ली। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।